सत्ता परिवर्तन के बाद जेडीयू की बड़ी बैठक होने जा रही है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में उतारा जाएगा। बैठक में इसी पर मोहर लगेगी, लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? भविष्य की राजनीति के लिए जेडीयू तैयार। 29 अगस्त को कार्यकारिणी की होगी बैठक। नेशनल पॉलिटिक्स में नीतीश करेंगे एंट्री। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 अगस्त को होनी है। इसी सभागार कर्पूरी सभागार में बैठक होगी और उसी दिन यह तय हो जाए कि राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या भागीदारी होगी, वो किस तरह से देश का दौरा करेंगे और किस तरह विकल्प बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो बैठक होगी इसमें तमाम जो एजेंडे होंगे पार्टी की ओर से लाए जाएंगे और उन पर मुहर लगेगी। सत्ता परिवर्तन के बाद जेडीयू की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। 29 अगस्त की तारीख मुकर्रर है। देश भर से आए प्रतिनिधि इसमें जुटेंगे, जिसमें विकल्प की राजनीति पर चर्चा होगी और इसके लिए नीतीश को आगे किया जा सकता है, लेकिन जेडीयू अभी इस पर खामोश है। 29 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने का एजेंडा पास होगा। एजेंडा तो ये बात तो राष्ट्रीय परिषद में नहीं ले लिया जाएगा, जो एजेंडा लाया जाएगा उस पर विमर्श होगी, उस हालातों पर बात होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो एजेंडा है उस पर हमें कोई जानकारी नहीं है। हमको लगता है इसका उचित जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे पाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा क्या है? जेडीयू के सहयोगी आरजेडी भी ये मानती है कि नेशनल पॉलिटिक्स में नीतीश दखल दे सकते हैं, नेतृत्व भी कर सकते हैं। अनुभवी है, केंद्र की राजनीति से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर एक लंबा अनुभव जिनको प्राप्त है देश चलाने का, राज्य चलाने का, तो यह पीड़ा भाजपा को दे रही है। एक एक सहयोगी भाजपा को छोड़ दिया, कोई उनके साथ नहीं है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नीतीश ने एनडीए से अलग जाने का फैसला किया। मेरा मानना है कि पूरा देश जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी के समर्थन में खड़ा है, ऐसे कितने लोग आएंगे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें एक पन्ना नीतीश कुमार जी अपना जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हैं। और अगर जेडीयू कार्यकारिणी में भविष्य की सियासत पर फैसला हुआ और तय हुआ कि नीतीश अब नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे, तो तय मान लीजिए राजनीति दिलचस्प होगी। सियासी तस्वीर में कई रंग देखने को मिल सकते हैं। साफ तौर पे है कि अब जब सरकार बन गई है और जिस तरह कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो कहा जाए कि 2024 में विकल्प के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पेश किया जाएगा। कैमरामैन शहनवाज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।